बांका ऑयल गोदाम में आग लगने के मामले में पुलिस ने गोदाम संचालक सहित 5 पर दर्ज की FIR। रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल रोड पर रविवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई थी, लेकिन आसपास के लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था। साथ ही गोदाम में रखा मेंथा ऑयल भी जल गया था। इस आग पर काफी समय कड़ी मशक्कत करने के बाद काबू पाया गया था। अब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने मेंथा ऑयल गोदाम संचालक सहित 5 लोगों को FIR में नामजद किया है, जबकि आज आग की चपेट में घरों के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा आबादी के बीच में इतना बड़ा मेंथा के कारोबार की जानकारी नहीं थी और सब कुछ जलकर खत्म हो गया, उनको मुआवजा दिलाया जाए जो कि 2 करोड़ रुपए के करीब है, सभी का नुकसान हुआ है और मेंथा कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तार की कार्यवाही की जाए। मेरा नाम योगेश सक्सेना है, साई कम्युनिकेशन की दुकान थी हमारी, 4 दुकानें जल गई हैं, बिल्कुल राख हो गई हैं। हम DM साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, बिल्कुल खाली हो गए दुकानों में हमारे कुछ भी नहीं है और हम कारोबार से अपने बेकार हो गए। ये हमारी दुकानों का फोटो है, ये दुकानें जली हैं, बिल्कुल राख हो गई हैं। बस DM साहब से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ हमें मुआवजा दें। DM साहब ने कार्रवाई के लिए कहा कि सब जाँच कराई जाएगी, जांच बैठाइए। जांच के बाद मेंथा का एक कारखाना था वहाँ पे, जो किसी को नहीं पता था कि वो कारखाना है वहाँ, और ये रातों रात काम होता था वहाँ पे। और जब आग लगी तब हम लोगों को पता कर लगा कि वहाँ इतने ड्रम है, वहाँ 250 से 300 के करीब ड्रम थे वहाँ जो राख हो गए। 4 दुकानें जली हैं, 6 मकान बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हुए, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है सबका मिला के। ये 4 साल तो हो गए होंगे लगभग, लेकिन दुकान खुलती थी, आगे का दुकान खुलती थी, हमें ये नहीं पता पीछे गोदाम था या क्या था, हम इस बात को नहीं जानते। हमें सिर्फ दुकान का पता था कि वो बैठते हैं दुकान में, 1-2 ड्रम आते थे जाते थे, हमें ये नहीं पता था पीछे गोदाम है। जब ये आग लगी है तब हमें पता है कि मेंथा बह के जो हमारी दुकानों तक आया है, जिस तरह से आग लगी तब हमें पता लगा अंदर जाके कि इतने सारे ड्रम रखे थे जो लोहे के थे, लोहे के जिंदा रह गए ड्रम और प्लास्टिक वाले सारे जल गए हैं, और किराएदार वगैरह सब उसमें सामान उनका सब जल गया दिया है। हमने चेहरे दे दिया, हमें FIR दर्ज हो गई है, हमारी FIR की कॉपी हमने DM साहब को दी है, 5 लोग नामजद हैं उसमें, उन 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा कराया है। हम ये चाहते हैं यार उन्हें सज़ा भी मिले और हमें उनसे ये 5 लोग वो हैं जिनका गोदाम था, नाजायज चल रहा था शहर के अंदर था, जो नहीं होना चाहिए था। पूरी बात ये है, जब आग लगी थी तो सबसे पहले हमारे घर में आग लगी, और जो लोग काम करते हैं ये मेंथा का, उनके घर में कोई भी, एक तो कोई भी एक्सटिंग्विशर पानी का कुछ भी नहीं है, पानी उनके आग लगी, पानी देने के लिए वो हमारे घर पे आए, उनके दरवाज़ा उनके यहाँ ब्लास्ट हुआ, दरवाज़ा खुलने से हमारे घर में सबसे पहले आग हमारे घर में लग गई। हम लोग जल्द जल्द करके भागे, लेकिन हमारे घर का एक बंदा वो वहीं घर में फंस गया, वो ऊपर से छलांग मारी, उसकी मजबूरी थी, वो नहीं मारता तो वो अंदर मरता, ऊपर से कूदा, वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुलिस से उसने कहा कि भैया मुझे अस्पताल तक पहुँचा दो, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें अकेले को लेके नहीं जाएंगे। ड्रम थे, अब जब साफ दिख, अब हमें दिखा है कि उसमें ड्रम इतने रखे रहते हैं, इतना काम चलता है, क्या निकल था उसमें भैया, अब अंदर क्या काम चल रहा है ये तो हमें नहीं पता, जब दरवाजे उनके बंद रहते हैं, बाहर से दुकान खुली रहती है, जो हमें दिखता है वो औरों को दिखता है। भैया ने बताया 5 लोग हैं, जबकि जिन लोगों पर FIR की गई है उनमें हसनैन असलम, खलील, बबुआ अली और मुर्शद अली शामिल हैं। FIR में 285, 338, 427 और 436 धारा लगाई गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। देखिए, वो शहर का बिल्कुल रिहायशी इलाका है, उसमें मेंथा व्यापारी ने एक पुराना मकान था, उसमें भारी मात्रा में मेंथाल परचेज करके स्टोर कर रखा था, जिसमें आग लग जाने की वजह से, क्योंकि मेंथाल स्वयं ज्वलनशील पदार्थ है, वो आग बड़ा विकराल रूप ली, जिसकी वजह से आसपास के पड़ोसी भी प्रभावित हुए। उनकी इस लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। सुनाते पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध, जिनके मेंथाल वहां रखे गए थे, अभियोग दर्ज कर लिया है, विवेचना की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध भी माननीय न्यायालय में अतिशीघ्र साक्ष्यों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।